दोस्तों कि आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप हर तरह का शैम्पू ट्राई करके थक चुके हैं, बहुत सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। ट्रस्ट मी, अगर आप मुझ पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं तो एक महीने के लिए मेरे कहने पर बस इसे यूज कर लीजिए जो आज मैं आपको हेयर ऑयल बताने वाली हूँ। ये एक महीने में आपके बालों में इतना ड्रास्टिक चेंज लाएगा कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों को फॉलो जरूर करना है। लाइफ में कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके बाल झड़ने के लिए बहुत बड़ा कारण होते हैं। आप कौन से फैक्टर पर ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में वो कौन सी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रेस होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो या ऑफिशियली स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने का मेन कारण होते हैं। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपनी डाइट में एक हम शेड्यूल बनाएंगे आज से कि हम हफ्ते में या 15 डेज में कितनी बार चीट मील कर रहे हैं। और चीट मील में सिर्फ ये नहीं कि रेस्टोरेंट जाके खाना, बल्कि घर पर भी हम पैकेट वाली चीजें या फिर जूसेस या अननेसेसरी बिस्किट, नमकीन, इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आप डेड फूड्स खाते हैं, यानी जो भी फैक्ट्री वाले फूड्स होते हैं, जैसे बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, मट्ठी हो गई, या फिर आसपास कचौड़ी या जो भी बाहर स्ट्रीट फूड होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर आपके डाइजेशन पर इफेक्ट करता है। और जब आपका डाइजेशन बिगड़ता है, आपके शरीर में टॉक्सिंस बढ़ते हैं, यानी वो पचेगा नहीं खाना, सड़ेगा तो टॉक्सिंस बढ़ेंगे, और टॉक्सिंस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होगी, जिसका इफेक्ट या तो आपके स्किन पर दिखता है या फिर आपके बालों पर दिखता है। अननेसेसरी आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है और वो रुकता ही नहीं है, चाहे आप कितने तरीके की भी दवाइयां कर लेते हैं। तीसरा फैक्टर जो काम करता है, वो करता है पानी का रेशो। यस, हमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, वो पानी का रेशो कवर ही नहीं करते, मुश्किल से 2 ग्लास या 4 ग्लास पीते हैं, इसके अलावा पूरे दिन वो पानी नहीं पीते। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमें प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगनी है, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट मिनिमम आपने 2.5 लीटर पानी खत्म करना है, चाहे वो सर्दी हो चाहे हो गर्मी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर काम करता है वो है ऑयलिंग करना, अपने बालों को हीट से दूर रखना, नेचुरली ड्राई होने देना। विंटर्स आने वाले हैं, समर्स चल रहे हैं, या कोई भी वेदर हो, आप जितना ड्रायर का, स्ट्रेटनिंग का, या बहुत सारे टूल्स का, या ट्रीटमेंट जो सलून्स में मिलते हैं उनको अवॉइड करेंगे तो आपका बाल मजबूत होगा। क्योंकि जितने हीटिंग टूल का आप यूज करते हैं, आपका बाल पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और आपकी जड़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, जिससे कि न्यू हेयर ग्रोथ रुक जाती है और जो पहले के हेयर्स होते हैं वो कंटिन्यूस झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि हाथ फेरने से भी, बालों को नॉर्मली वॉश करने से भी आपके हाथों में बहुत सारे बाल आते हैं। अब कौन सा वाला फैक्टर है आपके साथ में, वो आपने देखना है। ठीक है, आपने अपनी डाइट प्रॉपर लेनी है, हेल्दी चीजों को इंक्लूड करना है, और कुछ कुछ सप्लीमेंट जो होते हैं वो आपने अपने डॉक्टर से पूछ कर वो लेते रहने हैं। ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट जो होते हैं वो भी नेसेसरी होता है, क्योंकि बिकॉज आजकल की जो डाइट है वो हेल्दी डाइट की बात करें वो भी इतनी नकली है, बहुत सारी चीजें डालकर केमिकल उनको उगाया जा रहा है, तो जिससे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो कुछ कुछ चीजें आपको आउटसोर्स से भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राइट, अब बात कर लेते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज की, कि आपको अपने बालों में क्या लगाना है जो आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम को दूर कर देगा। ये ऐसा घरेलू नुस्खा है जो दुगनी तेजी से आपके बालों को बढ़ाने वाला है। अगर आप इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वो रेमेडी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रोजमेरी ऑयल की। ठीक है, नेचर के पास एक ऐसा ही पौधा है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपको इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन उसको बाय कर सकते हैं। इसके इतने अच्छे खासे बेनिफिट हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा ऑयल आता है मार्केट में, मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल क्या करता है, बेसिकली आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, लेकिन जो आपके पहले डेड हेयर्स होते हैं उनको निकालता है, तो वो कम से कम 6 महीने या साल का प्रोसेस है। ठीक है, और बाहर की जो कंपनीज है मोस्टली वो भी हेयर ऑयल में उसकी कुछ परसेंटेज एड करती है, लेकिन अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की मैं अगर बात करूं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, जो नॉर्मली अगर आप बाकी चीजें यूज करते हैं तो उसमें वो केमिकल पाया जाता है। लेकिन रोजमेरी ऑयल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर आप इसको कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके, यानी कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके आप इसको अपने बालों में लगाते हैं, तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे, आपके नए हेयर ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाएगी कि एक महीने में क्या से क्या हो गया है। तो इसके लिए अब आपको बता देती हूँ कि आपको इसको रेडी कैसे करना है। आपने लेना है पहले एक बॉल, उसमें डालना है आपने कम से कम 4 से 5 चम्मच, आप ले सकते हैं कोकोनट ऑयल के। उसमें 1 स्पून हम ऐड करेंगे आरंडी का तेल। जी हाँ, आरंडी का तेल, इतना ज्यादा फायदे हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आरंडी का तेल आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा फास्ट करता है, आपकी जहाँ पे हेयर्स नहीं आ रहे हैं या आपकी जो ग्रोथ रुक सी गई है उसको बहुत ज्यादा फास्ट करता है, वहाँ पे नए बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बालों में नई जान लेकर आता है। बेसिकली आपके बॉडी की तरह आपके बालों को भी खाना चाहिए जो ऑयलिंग से उसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की
की कुछ बूंदे हम इसमें ऐड करेंगे, 10 से 12 बूंदे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर चम्मच का हिसाब बताऊं तो आप इसमें आधा चम्मच से एक चम्मच ऐड कर लीजिए। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने बालों में अच्छे से मसाज करना है। मसाज आप जरूर घर में किसी की हेल्प लें, क्योंकि आपके बालों की जड़ों में बेसिकली इसको आपको लगाना है और हल्का बहुत आपने लेंथ में लगाना है। उसके बाद आपने कंघा कर लेना है और रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है अपने बालों को। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आपने अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर करना है। लेकिन मेक श्योर, चाहे सर्दी आ रही है या गर्मी हो, आपने अपने बालों को, यानी गर्मी के मौसम में तो आपने ठंडे पानी से धोना है, लेकिन विंटर्स में आपने बहुत गर्म पानी यूज नहीं करना, क्योंकि विंटर्स में हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि हमें ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं होता, हम लोग गर्म पानी डालते हैं। आप इस तरीके से नहाएं कि आपकी बॉडी पर ना जाए, जैसे आपको ठंडा ना लगे, और लुकवार्म वाटर का इस्तेमाल आपने अपने बालों में करना है, ठीक है। अच्छे से शावर ले लें और उसके बाद में आप कंडीशनर जो है अपने बालों की लेंथ में लगाएं। बहुत सारे लोग बालों की जड़ों में लगाते हैं, जिससे उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीवियर हो जाता है। और प्लीज अपनी डाइट में कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरे कहने पे इंक्लूड करके देखें। आप एक बनाना जरूर खाएं, चाहे आपकी पॉकेट किसी अदर फ्रूट के लिए अलाउ करती है, बहुत अच्छी बात है, वो भी इंक्लूड करें। लेकिन बनाना एक ऐसी चीज है जिसमें सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सेकंड चीज का क्या ध्यान रखना है, आपने अपनी डाइट में नट्स ऐड करने हैं, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हो गए, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो गए, ठीक है, सनफ्लावर सीड्स हो गए। इस तरीके से आपने जो सीड्स को ऐड करना है और नट्स को ऐड करना है। नट्स में आप क्या लेंगे, आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट, किशमिश, इन सब चीजों को आपने भिगा कर खाना है, ठीक है। जो भी आपको अलाउ करती है आपकी पॉकेट, आप उस हिसाब से जरूर खाएं। अखरोट और किशमिश रात के समय भिगो दें, एक अखरोट और थोड़े से दाने, 10-15 दाने किशमिश के, जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं होती है और आपकी जो ग्रोथ है, आपकी स्किन की अच्छी होती है, आपके बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपने हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाना है। गर्मी के मौसम में पालक हमेशा मिलती है, सर्दी के मौसम में बहुत तरह की हरी सब्जियां आती हैं, आपको अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करना है। रात के समय खाना अवॉइड करना है। अब आप कहेंगे उससे बालों का लॉजिक क्या है, यस, बालों का बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो आपका शरीर उसे पचा नहीं पाता, और जब पचाने की क्रिया वो रात को करता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ना अपने आप से सेल्स रिपेयर होते हैं, यानी जो डेड हुए हैं आपके, चाहे वो हेयर फॉलिकल्स हैं या नॉर्मली जो सेल्स डेड है आपकी बॉडी में, वो रिपेयर का काम उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि वो सारी रात आपके खाने को पचाने में लगते हैं, सुबह उठते हैं फिर से खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, जैसे कि हमारी जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिजनरेट होते ही नहीं है, ठीक है। जो उसको अपनी क्लिंजिंग करनी होती है बॉडी को, वो क्लिंजिंग नहीं हो पाती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वो सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो आपके बालों और स्किन पर पड़ता है। तो आप प्लीज रखें, सोने और खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप मेंटेन करें, ठीक है। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।